नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसे मंदिर के बारे में वर्णन लेके आया हूँ जिसकी स्थापना स्वयं लक्ष्मण जी ने की थी। और ये ऐसी परिस्थिति थी जब ब्रह्म हत्या यानी कि ब्राह्मण राक्षस रावण की हत्या हो गई, उसके आधार पर उससे बचने के लिए ऐसे मंदिर का निर्माण किया गया जिसकी वजह से उस पाप से बचा जा सके। इसलिए इस मंदिर का जो है वर्णन आता है और आज भी ये मंदिर स्थित है। साथ ही साथ ये बहुत ही इसको उद्धार किया गया बाद में राजा खड़क देव जी के द्वारा। तो ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें अगर आप पानी डालेंगे शिवलिंग में तो वो सीधा पाताल लोक चला जाता है, इसीलिए इसको बहुत ही शुभ माना जाता है और उसमें लाखों छिद्र हैं। इसीलिए इसको लक्ष्मेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है क्योंकि लक्ष्मण ने इनकी स्थापना की थी। तो चलिए शुरू करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं ये मंदिर कहाँ पर है और इसकी वर्णन किस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। तो जो लक्ष्मेश्वर महादेव मंदिर है ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर, संस्कारधानी शिवरी नारायण से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है खरोद नगर में ये स्थित है। ये नगर जो है प्राचीन छत्तीसगढ़ में जो है 5 ललित कला केंद्रों में से एक माना जाता था और इसे मोक्षदायिनी नगर भी कहा जाता था। इसे छत्तीसगढ़ की काशी के नाम से भी जाना जाता है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ रामायण कालीन शबरी उद्धार और लंका विजय के निमित्त भ्राता लक्ष्मण की विनती पर श्री राम भगवान ने खर और दूषण की मुक्ति के पश्चात लक्ष्मेश्वर महादेव की स्थापना की थी। तो भगवान जो है लक्ष्मण जी जो थे उन्होंने इसकी प्रार्थना की थी और स्वयं भगवान श्री राम ने खर दूषण की मुक्ति के कारण यहाँ पर लक्ष्मेश्वर महादेव की स्थापना की थी। तो इतना शुभ यह मंदिर है कि जहाँ स्वयं भगवान राम के द्वारा बनाया गया शिवलिंग स्थित है। तो यह मंदिर नगर के प्रमुख देव के रूप में पश्चिम दिशा में पूर्वाभिमुख स्थित है। मंदिर की चारों ओर पत्थर की मजबूत दीवार है। इस दीवार के अंदर लगभग 110 फीट लंबा और लगभग 48 फीट चौड़ा चबूतरा भी बना हुआ है जिसके ऊपर 48 फुट ऊंचा और 30 फुट की गोलाई लिए हुए मंदिर जो है बना हुआ है। मंदिर के अवलोकन से पता चलता है कि इससे पहले चबूतरे पर जो है एक बड़े मंदिर को बनाने की योजना थी लेकिन पूरी तरह से वो बन नहीं पाया। चबूतरे की ऊपरी भाग की परिक्रमा इसमें की जाती है और मंदिर के गर्भगृह में विशिष्ट प्रकार का एक शिवलिंग स्थापित किया गया है। यह शिवलिंग जो है इतना अधिक विशेष है कि इस शिवलिंग में 1 लाख छिद्र हैं। जी हाँ, 1 लाख छिद्र, इसीलिए इसका नाम एक लक्ष्य लिंग भी इसको कहा जाता है। यानी कि लक्ष्य माने 1 लाख और लिंग माने जो भगवान शिव का शिवलिंग होता है, तो 1 लाख शिवलिंगों वाला इसे भी कहा जाता है। और इसका जो सभा मंडप है वहां पर सत्यनारायण मंडप, नंदी मंडप, भोगशाला वगैरह भी यहाँ पर स्थित है। यहाँ का जो सभा मंडप है वो उस पर शिलालेख और दीवारों में छपे हुए बहुत कुछ देखने को मिलता है। शिलालेख की भाषा भी स्पष्ट है, इसे पढ़ा नहीं जा सका है। और इस लेख की 8वीं शताब्दी में एक थे इंद्रबल और ईशान देव नाम के शासक जो हैं उनका वर्णन इस लेख में हुआ है जिससे पता चलता है कि उन्होंने इसका बनवाया होगा। शिलालेख जो है वो संस्कृत भाषा में 44 श्लोक हैं और चंद्रवंशी हय वंश के रत्नपुर में राजाओं में इसका जन्म यहाँ पर हुआ था और अनेक मंदिर मठ और तालाब आदि निर्मित कराने का उल्लेख इस शिलालेख में है। रत्नदेव तृतीय की राल्हा और पद्मा नाम की 2 रानियां थी। तो राल्हा से संप्रद जीजाक नाम के 2 पुत्र हुए थे और पद्मा से सिंहतुल पराक्रमी खड़गदेव जो रत्नपुर के राजा हुए जिसने लक्ष्मेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार करा। इससे पता चलता है कि 8वीं शताब्दी तक जीर्ण हो चुका था, उसके उद्धार की आवश्यकता पड़ी। इस आधार पर कुछ विद्वान इसको 6ठी शताब्दी का भी मानते हैं। और जो मूल मंदिर के प्रवेश द्वार में बहुत ही सुंदर पाषाण स्तंभ है और वहां पर रावण की एक कैलाश तोलन है जिस भगवान कैलाश को उठाते हुए अर्धनारीश्वर वगैरह के दृश्य भी यहाँ पर खुदे हुए। इसी के साथ भगवान राम के चरित्र से संबंधित जैसे भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता, बाली का वध, शिव तांडव, ऐसी बहुत सारी कहानियां वगैरह यहाँ पर देखने को मिलती है। गंगा और यमुना की मूर्तियां भी प्रवेश द्वार पर बनी हुई हैं जैसा कि जो है पुरानी शैली में होता है हमारे यहाँ। और मगरमच्छ और कच्छप के वाहन के स्वरूप भी यहाँ पर और 2 नारी की प्रतिमाएं वगैरह भी यहाँ पर, द्वारपाल के रूप में जय और विजय की मूर्तियां भी यहाँ पर स्थित हैं और सावन मास में श्रावणी और महाशिवरात्रि का मेला लगता है। मान्यता है कि मंदिर के गर्भगृह में
श्री राम जी के अनुज लक्ष्मण जी के द्वारा स्थापित यहाँ पर जो है शिवलिंग है, और इसे लखेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें एक लाख लिंग है। इसमें एक पातालगामी लक्ष्य छिद्र है, यानी कि आप इसमें जितना भी पानी डाल दीजिए, इस शिवलिंग में अगर आप पानी डालने लगेंगे तो जितना चाहे उतना पानी डाल दीजिए, वो सारा पानी इसमें समाहित हो जाएगा, यानी सीधे वो पाताल लोक तक चला जाता है, ऐसा इसमें बारे में कहा जाता है। और इसके बाहर एक कुंड भी, इससे भी इसका संबंध माना जाता है। छिद्र में एक ऐसा छिद्र है जो सदैव जल से भरा रहता है, इसे अक्षय कुंड भी कहा जाता है। और स्वयंभू जो है अक्षयलिंग जो है उसके आसपास जलहरी भी बनी हुई है। मंदिर के बाहर परिक्रमा में राजा खड़ग देव और उनकी रानी हाथ जोड़े स्थित हैं। यहाँ प्रतिवर्ष शिवरात्रि के मेले में शिव की बारात निकलती है और छत्तीसगढ़ में इस नगरी को काशी के नाम से मान्यता है। भगवान रामचंद्र जी जब ने यहाँ पे खर और दूषण नाम के दो असुरों का वध भी किया था, इसके कारण भी इसको इसका नाम खरोद पड़ा और इसी के वजह से यहाँ पर इनका निर्माण भी किया गया था। और कुछ ऐसी मान्यता भी है कि यहाँ पर भगवान जो है रावण के वध के बाद भी यहाँ पर आकर के उन्होंने इस चीज को बाद में बनवाया था। तो ऐसी ऐसी विभिन्न प्रकार की धारणाएं अवधारणाएं यहाँ से जुड़ी हुई हैं, इसलिए ये बहुत ही प्रसिद्ध शुभ और अच्छा मंदिर है। और आगे आने वाले समय में मैं जरूर इस मंदिर के ऊपर भी आपको इसकी पौराणिक कथा निकालने की कोशिश करूंगा कि क्या है वो कहानी, इसके अंदर जो गोपनीय कहानियां हैं और तंत्र से जुड़ी हुई, ताकि आप लोगों का अत्यधिक इसमें मनोरंजन के साथ में भक्ति भी आपके अंदर जरूर जागृत हो इसके माध्यम से। तो ये जो मंदिर है ये लक्ष्मलिंग के नाम से भी जाना जाता है, लक्ष्मण लिंग के नाम से भी जाना जाता है, और पानी तो सीधे पाताल तक चला जाता है। तो इसी वजह से पापों से जो रक्षा के लिए जो है ब्रह्म हत्या का जो पाप लग गया था उससे बचने के लिए लक्ष्मण जी ने यहाँ पर जो है आना स्वीकार किया था। और कहते हैं कि जब पाप से मुक्ति के लिए रामेश्वर में शिवलिंग स्थापित करने की पूजा करना चाहते थे तो लक्ष्मण जी को कहा गया था कि तुम सभी तीर्थों से जल जो है यहाँ कर ला करके यहाँ दीजिए, तब हम यहाँ पे निर्माण करेंगे। तो जब लक्ष्मण जी गुप्त तीर्थ शिवनरी नारायण से जल लेकर लौटने लगे तो उसी समय वो बीमार हो गए थे, तो भाई राम जी के पास पहुंच जाए इसलिए वे शिवलिंग स्थापित करके भगवान शिव की पूजा करते थे। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर के ही भगवान शिव जी ने उनको यहाँ पर दर्शन भी दिए और इसीलिए ये शिवलिंग लक्ष्मेश्वर नाम से भक्तों में बहुत प्रसिद्ध हो गया, जिसको जो है भगवान रामचंद्र जी की भी कृपा मिली और उन्होंने इसको अच्छी तरह से बनाया और बनवाया था, इसीलिए ये लक्ष्मेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर बाद में राजा खड़ग देव जिनके बारे में मैंने बताया, उन्होंने इस मंदिर को बाद में फिर से बनवाया था और छठी शताब्दी में यहाँ पर ये चीज बनी गई थी। तो और इसीलिए ये बहुत ही प्रसिद्ध शिवलिंग के रूप में स्थापित है और इसका वर्णन हमें पुरानी ग्रंथों में मिलता है। इस पर जो कहानी है तांत्रिक कहानी है वो मैं आपको लिए जरूर आगे चल के लाने की कोशिश करूंगा, ताकि हम लोग पता लगा सकें कि यहाँ पर ऐसी कौन कौन सी और घटनाएं घटी जो इतिहास में दफन हो गई या उनके बारे में हम लोग नहीं जान पाए, क्योंकि मेरा यही उद्देश्य था कि जितने भी प्राचीन शिवलिंग हैं और या यूं कहिए कि बहुत से अच्छे अच्छे मंदिर हैं तो वहां पर जो उनसे जुड़ी हुई विशेष कहानियां हैं तभी वहां पर मंदिरों का निर्माण भी किया गया। कोई भी मंदिर यूं ही नहीं बना हमारे देश में, तो जो भी मंदिर बनता था उसके पीछे एक विशेष रूप से एक अच्छी कहानी होती थी। तो यहाँ पर ये जो दिव्य शिवलिंग है जो लाखों छेदों से भरा हुआ है, इसमें लाखों छेद क्यों है इस पर रिसर्च की जाएगी और पाताल तक ही क्यों जाता है। देखिए पाताल तक जाने का और लाखों छेदों के जो संबंध में जो छोटा बहुत वर्णन जो मुझे पता लगा है उसकी मान्यता ये है कि जिस प्रकार से नागों का वास पाताल में है और भगवान जो लक्ष्मण जी थे वो भगवान के साथ रहते हैं और वो स्वयं शेषनाग के अवतार हैं और जिन पर भगवान विष्णु स्वयं बैठते हैं वो पाताल से ही जुड़े हुए हैं, इसलिए पाताल तक में उस जल का जाना आवश्यक है। इसीलिए जब इन्होंने निर्माण किया होगा इसका तो विशेष रूप से तो यह छिद्र इसीलिए बनाया गया कि सीधा पानी जो है सीधे आपके पाताल लोक में यानी कि नाग लोक तक यानी कि शिव पूजा नाग भी कर सकें और उन तक इनका प्रसार प्रसार पहुंचे और जो जिनके आसन हैं भगवान विष्णु के जो आसन हैं शेषनाग जी उनके ऊपर भी जाकर के ये जल बरस सके, इसीलिए लक्ष्मण जी ने इसका निर्माण करवाया और भगवान शिव की आराधना की और उनकी तपस्या से उनका कल्याण सदैव होना ही था। इसकी आज्ञा उन्होंने भगवान रामचंद्र जी से ले ही ली थी, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा शुभ स्थान बन गया और इसके आगे
जो तांत्रिक कहानी है उसके बारे में जरूर पता लगाने की मैं कोशिश करूंगा कि उसके पीछे कोई ऐसी कहानी तो नहीं है कि जो आप लोगों की नजर से बच गई हो, तो मैं उसको भी लाने की जरूर कोशिश करूंगा। तो इस शिवलिंग के आप दर्शन तो कर ही चुके हैं, मैंने आपको वीडियो के रूप में ये दिखा दिया है। तो ये बहुत ही शुभ जगह है, बहुत ही बढ़िया जगह है, जहाँ पर राम कृपा है, जहाँ पर लक्ष्मण कृपा है, जहाँ पर भगवान शिव की कृपा है और स्वयं शेषनाग जी की कृपा है। तो इसका दर्शन अगर आपको करने को कभी इच्छा हो तो अवश्य जाएं। छत्तीसगढ़ की राजधानी से रायपुर से लगभग 120 किलोमीटर और शिवरी नारायण से 3 किलोमीटर की दूर पर खरोद में यह शिवलिंग स्थापित है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।